आप सभी को मेरे चैनल RDP इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ही रहोगे। तो मैं आज बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस है IC और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बीच में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं फाइनल कंक्लूजन देने वाला हूँ कि कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। वैसे तो दोनों एम्पलीफायर अपने अपने जगह पर बेस्ट है, लेकिन आपके लिए कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट है मैं वो लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आप ये दोनों एम्पलीफायर सर्किट के इमेज देख सकते हैं। एक में थोड़ा कंपोनेंट कम है और एक में कंपोनेंट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। पहला पॉइंट है हीट और थर्मल एरिया। हीट और थर्मल एरिया को देखें तो ट्रांजिस्टर उसमें बेस्ट होता है IC के मुकाबले। IC का जो थर्मल एरिया है वो छोटा होता है ट्रांजिस्टर के मुकाबले, क्योंकि जो IC जो हीट कैपेसिटी है वो कम होता है ट्रांजिस्टर के मुकाबले कम होता है, क्योंकि IC जो है वो हालांकि IC ज़्यादा हीट होता है ट्रांजिस्टर के मुकाबले, क्योंकि उसका जो थर्मल एरिया है वो छोटा होता है। मैंने पहले भी बताया कि थर्मल एरिया IC का छोटा होता है और ट्रांजिस्टर के बड़ा होता है। थर्मल एरिया मीन्स जो एरिया हीट सिंक के साथ कनेक्ट होता है वो मेटल के एरिया, उसको कहते हैं थर्मल एरिया। वो छोटा होता है IC का, क्योंकि IC ज़्यादा हीट होने के लिए वो बना ही नहीं, ज़्यादा पावर के लिए वो बना ही नहीं, इसीलिए उसका थर्मल एरिया भी छोटा होता है। और जो ज़्यादा पावर निकालेगा वो ज़्यादा हीट होगा ऑब्वियसली। लेकिन मान लीजिए एक 208 के एम्पलीफायर है ट्रांजिस्टर की और 208 है IC की, वो IC का जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादा हीट करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावर के लिए बना ही नहीं। वो कम 208 की IC का एम्पलीफायर अब उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 वाट ही निकाले तो ही अच्छा आउटपुट देगा। उससे ज़्यादा निकाले तो वो ज़्यादा हीट करने लगेगा और उसका साउंड क्वालिटी वो थोड़ा थोड़ा बेकार होने लगेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर की ऐसा नहीं है। अब 208 की ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के साथ अब उससे वोल्टेज और एम्पियर ज़्यादा एम्पियर की ट्रांसफार्मर लगा के वो अब ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा पावर भी आउटपुट ले सकते हैं उससे। लेकिन IC की वजह से नहीं है। IC जितना पावर है उससे कम ही वो आउटपुट देगा, उससे ज़्यादा तो कहीं नहीं। इसलिए हीट और थर्मल एरिया के पॉइंट में जो विन होता है वो है ट्रांजिस्टर। IC ज़्यादा हीट के लिए बना ही नहीं, और ज़्यादा हीट होगा तो IC ख़राब भी हो जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए एक IC का एम्पलीफायर की सर्किट है और एक ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर सर्किट है। मान लीजिए 30-55 एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर की सर्किट है, उसमें आप 37-73-5200 भी लगा सकते हैं। उस सर्किट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके 5200 भी लगा सकते हैं। लेकिन IC का जो सर्किट है वो ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक 44-40 का एक एम्पलीफायर सर्किट है, उसमें आप वही IC लगा सकते हैं लेकिन दूसरा IC नहीं। अब मान लीजिए एक होम थिएटर के बोर्ड है, उसमें आप जो 20-30 IC है 20-50 IC है वही लगा सकते हैं, लेकिन आप उसमें 44-40 IC नहीं लगा सकते। लेकिन ट्रांजिस्टर के जगह पर ऐसा नहीं है। एक ट्रांजिस्टर उड़ गया तो सभी ट्रांजिस्टर चेंज करके आप दूसरा ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। इसीलिए ट्रांजिस्टर का जो सब्स्टिट्यूट है वो ज़्यादा है IC के मुकाबले। तीसरा जो पॉइंट है वो है IC का पावर लिमिट होना थर्मल लिमिटेशन की वजह से। मैं वीडियो के पहले एक पॉइंट बताया था कि एक सर्किट में कंपोनेंट की क्वांटिटी कम है और एक में कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। एक दो इमेज दिखाया था मैं, जो सर्किट में कंपोनेंट की क्वांटिटी कम है वो है एक IC बेस्ड सर्किट, मतलब IC का सर्किट एम्पलीफायर, और जो जिसका कंपोनेंट ज़्यादा है वो है एक ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर सर्किट। क्योंकि IC का जो मतलब होता है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका अंदर ही सर्किट बना होता है, बाहर इसीलिए कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट कम होता है, क्योंकि IC के अंदर ही आधा सर्किट बना होता है लेज़र प्रिंटिंग के मदद से, उतना छोटे से पार्ट में ही सर्किट बना होता है। ट्रांजिस्टर के केस में ऐसा नहीं, ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर की डाई रहता है
बाहर सारा सर्किट बनाया जाता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर की जो सर्किट है वो बड़ा होता है, क्योंकि बाहर ही सारा सर्किट रहता है। और आईसी में अंदर आधा सर्किट और बाहर थोड़ा मोड़ा चेंज करके सर्किट बनाया जाता है। मान लीजिए एक आईसी के जो अंदर इतना छोटा सा पार्ट में सारा सर्किट बना होता है और वो हीट करेगा, ज़्यादा हीट करेगा, तो आईसी का जो कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली डैमेज होगा। इसीलिए आईसी का जो पावर रहता है वो लिमिट किया जाता है, पावर और टेम्परेचर, पावर लिमिट किया जाता है, पावर लिमिट करेंगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली लिमिट ही होगा। इसीलिए वो ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया था कि आईसी ज़्यादा पावर के लिए बना है नहीं, क्योंकि आईसी के अंदर सर्किट रहता है, ज़्यादा पावर निकालेगा तो ज़्यादा हीट करेगा, और ज़्यादा हीट करेगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली वो कंपोनेंट जो है डैमेज करेगा। इसीलिए प्रोफेशनल एम्पलीफायर में जो है वो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ज़्यादा पावर निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ भी नहीं रहता, ट्रांजिस्टर के अंदर जो है उसका डाई रहता है और बाहर ही सारा सर्किट बनाया जाता है। हीट करेगा सिर्फ और सिर्फ उसका डाई जो है वो हीट करेगा, और डाई हीट करेगा तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आईसी ज़्यादा हीट करेगा तो उसका कंपोनेंट अंदर जो है जल सकता है, इसीलिए उसका पावर जो है लिमिट किया जाता है। इसीलिए जो है प्रोफेशनल एम्पलीफायर में ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो ट्रांजिस्टर ही ज़्यादा यूज़ होता है, आईसी उतना यूज़ नहीं होता। तो इस पॉइंट में विन होता है ट्रांजिस्टर। चौथा जो पॉइंट है वो है नॉइज़। मैं पहले भी बताया था कि आईसी के अंदर जो है सर्किट कंप्रेस करके डाला जाता है इतना छोटे से पार्ट में, और इतना छोटे से पार्ट में इतना ज़्यादा कंपोनेंट होने की वजह से उसका अंदर जो है एक दूसरे में कंपोनेंट की जो गैप है वो भी कम रहता है, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के जो इंटरफेरेंस रहता है वो ज़्यादा इंटरफेयर करता है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पास पास में रहता है। लेकिन ट्रांजिस्टर के केस में ऐसा नहीं है, बाहर इतना बड़ा सर्किट रहता है, इतना सारा कंपोनेंट हम आंखों से ही देख सकते हैं, बड़ा बड़ा गैप रहता है, इसके वजह से ट्रांजिस्टर में जो एक दूसरे में कंपोनेंट की इंटरफेरेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए वो नॉइज़ भी कम प्रोड्यूस करता है। नॉइज़ की ओर से देखें तो ट्रांजिस्टर बेस्ट रहता है आईसी के मुकाबले। पाँचवा जो पॉइंट है वो है आईसी का इकोनॉमिकल होना। देखिए आईसी का जो एम्पलीफायर रहता है वो लाइट रहता है ट्रांजिस्टर की तुलना में। ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर रहता है बहुत ही ज़्यादा हेवी रहता है, उसका ट्रांसफार्मर बहुत ही बड़ा लगाया जाता है आईसी के मुकाबले, और उसका हीट सिंक भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगाया जाता है, और उसका कंपोनेंट भी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन आईसी में कंपोनेंट की क्वांटिटी मैंने पहले भी बताया था बहुत ही कम रहता है, उसका ट्रांसफार्मर उतना बड़ा नहीं रहता, एक सेम वोल्टेज के होने के बावजूद भी एक ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर के जो ट्रांसफार्मर रहता है वो बड़ा लगाया जाता है, वो फुल वाटेज की ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, लेकिन आईसी में उतना हेवी ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं होता, और हेवी हीट सिंक के भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, और कंपोनेंट मैंने पहले भी बताया था कि कम लगता है, इसलिए वो आईसी का जो एम्पलीफायर रहता है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, पैसे बहुत ही कम कॉस्ट में आईसी का एम्पलीफायर हो जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा करता है। तो इकोनॉमिकल की ओर से देखें तो आईसी बेस्ट होता है। छठा जो पॉइंट है वो है रिपेयर। एक एम्पलीफायर के अंदर जो ज़्यादा ख़राब होता है वो है एक्टिव कंपोनेंट ज़्यादा ख़राब होता है, और आईसी के अंदर एक्टिव कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होता है, एक्टिव कंपोनेंट मतलब खुद आईसी ही होता है, और ट्रांजिस्टर के अंदर ट्रांजिस्टर ही होता है एक्टिव कंपोनेंट। लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, लेकिन आईसी के अंदर एक चैनल के लिए एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो ट्रांजिस्टर आईसी ही लगाया जाता है, लेकिन एक ट्रांजिस्टर के बोर्ड में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, 10 15 16 जितना भी रिक्वायरमेंट है वो लगाया जाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर आईसी में एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो ही आईसी लगाया जाता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ तो पूरा बोर्ड ही ट्रेस करना पड़ता है कौन सी ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ, वो ढूंढते ही आप रह जाओगे। लेकिन आईसी में ऐसा नहीं है, एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो आईसी ही लगाया जाता है, और वो आईसी निकाला दूसरा आईसी लगा दिया
तो आईसी के बोर्ड ठीक हो जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर के बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग के ओर से देखें तो आईसी बेस्ट होता है। सातवां जो पॉइंट है वो है लो ओम ड्राइव कैपेसिटी। आईसी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ओम के लिए ही बनाया होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर 2 ओम 1 ओम के भी ट्रांजिस्टर रहता है, वो इतना कम लोड को भी झेल सकता है, लेकिन आईसी इतना कम लोड को नहीं झेल सकता, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ओम के लिए ही बनाया होता है। लो ओम कैपेसिटी की ओर से देखें तो ट्रांजिस्टर बेस्ट रहता है। अब बारी है फाइनल कंक्लूजन की। अगर आप 50 वाट के अंदर एक एम्पलीफायर चाहते हैं तो आप आईसी के एम्पलीफायर को भी देख सकते हैं, और अगर आपको 100 वाट के ऊपर एम्पलीफायर रिक्वायरमेंट है तो आप ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।